सब दोस्त खैर तो आफियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप पीछे मुलाहजा फरमा रहे हैं कि कैसे कैसे ख़तरनाक बादल चारों तरफ ओर से आ रहे हैं और फिल वक्त ये बारिश हमारे करीबी सिटी नवाबशाह में। अभी एक बंदे को कॉल करके पूछा जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहाँ 20 मिनट से लगातार बारिश बरस रही है और वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके के साथ। तो दोस्तों आज का मैं ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिल वक्त मैं कपास के फसलों पर खड़ा हूँ और वो साइड में जो आप रास्ता देख रहे हैं वाइट में, ये एक रोड है। मैं वहाँ पर कार नहीं कर सका क्योंकि वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा बैक कैमरा से इस आने वाले क्लाउडी यानी कि बादलों की वीडियो दिखाता हूं जो कि आप देखकर ज़रूर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों दुआ करते हैं खुदावंद मुताल से कि ये बारिशें हमारे पास नहीं बरसेंगी, कहीं और जाकर भी बरसें तो वहां रहमत की घटाएं ही बरसाएंगी। तो दोस्तों इसी दुआओं के साथ के परवरदिगार ये बारिशें कहीं जाकर बरसाए और वो भी रहमत के साथ। दोस्तों इलाही आमीन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिग वीडियो करके। दोस्तों फाइनली आप ऊपर भी ये देख सकते हैं कि किस तरह ख़तरनाक तरीके से ये बादल यहाँ पर आए हुए हैं और वो पीछे से आप वाइट बादल भी मुलाहजा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नवाबशाह सिटी की जानिब से ये बादल आ रहे हैं, वहाँ पर वो बरस कर आए हैं और अब खुदावंद मुताल करे यहाँ पर भी अगर बरसें तो थोड़ी सी बूंदा बांदी करके अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। तो दोस्तों आप ये चारों तरफ बादल देख सकते हैं कि कितने ब्लैक और कितने ख़तरनाक तरीके से ये फिल वक्त आसमान पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आप ये देख ही रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ झोंपड़े भी दिखा दूं कि बारिश की वजह से यहाँ पर ऊपर लास्ट स्टॉप बंद पर आकर लोग बैठ गए हैं। तो दोस्तों ये आप झोंपड़े मुलाहजा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं ऊपर और आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं। बैक कैमरा से भी बादलों का नज़ारा किया के देखा कि बादल किस तरह ख़तरनाक मूड में मौजूद हैं। तो दोस्तों चलिए अब ऊपर चलते हैं यानी कि रोड की तरफ और कहीं सेफ़ जगह पर जाकर बैठते हैं, अगर बारिश बरसी तो वो नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है।
फाइनली आप आवाज़ में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि फाइनली बारिश शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए इस पेड़ के नीचे बैठते हैं और आपको वीडियो बारिश की रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत तेज़ी की तरह बरस चुकी है, बरसती है, रुकती है और रुकती है, फिर बरसती है। तो दोस्तों कभी धीमे और कभी तेज़ अंदाज में ये बारिश बरसना शुरू हो जाती है। दोस्तों फिल वक्त ऐसा करते हैं कि इस टेबल पर बैठ जाते हैं कि जब तक ये बारिश रुके फिर आगे चलते हैं। दोस्तों फाइनली बारिश बरस के अब रुक चुकी है और यकीनन थोड़ी आहिस्ता अंदाज में बरसी थी और फिर से रुक चुकी है और ज़िंदगी का सफ़र फिर से गामजन हो चुका है। हर लोग अपनी ज़मीनों से, अपनी कपास की फसल से, जो कि फिल वक्त पटाई का टाइम है क्योंकि दो दिन बारिश रुकी है, तो सब ने ये काम तेज़ कर दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नुकसान बारिश ने कर दिया है। तो दोस्तों हर कोई अपनी भैंसें, अपनी बकरियां, अपना गाँव माल लेकर अपने घर की जानिब रवाना है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि अब आपको बारिश बरसने के बाद नेचर का दिखाते हैं, लेकिन एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और आप ये आवाज़ भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यानी कभी रुकती है तो कभी बरसती है, लेकिन इस बार बहुत ही तेज़ी से बरस रही है। आप आवाज़ भी मुलाहिज़ा फरमाएं। तो दोस्तों आप ये रोड पर पानी भी देख सकते हैं और फिर से बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। मैं थोड़ा अंधेरा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों कि बारिश बहुत तेज़ी के साथ बरसना शुरू हो चुकी है। तो आप ये ब्लैक ब्लैक के सामने जो वाइट कतरे गिर रहे हैं ये बारिश के हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको रोड पर भी दिखा दूँ और आप ये रोड पर भी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि बारिश किस तरह तेज़ी के साथ बरस रही है। दोस्तों ये पेड़ देखें, आपको यहाँ पर भी बारिश नज़र आ रही होगी। एक बार फिर से दोस्तों बारिश रुक चुकी है, जिसका सबूत मैं आपको फर्श पर देना चाहूँगा। देखें कि बारिश बहुत ही रुक चुकी है और फिर से तेज़ हो गई है। देखें कि किस तरह से एक मिनट में तेज़ हो जा रही है और एक ही मिनट के अंदर रुक सी जा रही है। देखें रोड पर, देखें कि फिर से कितनी तेज़ी के साथ बरस रही है और बरसती ही जा रही है। देख सकते हैं कि फाइनली बारिश रुक चुकी है और यहाँ पर अब ये पेड़ भी बरसना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेरे आप ये कपड़े मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि भीग चुके हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे कज़न की एक दुकान है, वहाँ पर चलते हैं और सेफ्टी के साथ बैठकर मज़ीद वीडियो के सीन वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों चलिए। अच्छा अच्छा तो फाइनली मैं शॉप पर पहुंच चुका हूं और ये आप शॉप भी देख सकते हैं। थोड़ा अंदर चल के मैं आपको इस शॉप का रिव्यू भी कराता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैं अंदर इन हो चुका हूं। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से सारा सामान भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि बारिश ने सारी ज़िंदगी ही मुतासर कर दी है। सिटी भी लोग नहीं जा सकते और आप इस दुकान में चीज़ें भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। साथी है तुम्हारे पास? तो दोस्तों चलिए अब आपको
यहाँ पर कहता हूँ कि वो तलस भी अगर बनाती है और मज़ीद भी एक बड़ा जनरल स्टोर हमारे गांव में है हाफिज भाई का, वो भी मैं आपको ज़रूर किसी ना किसी दिन इस अपने चैनल पर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मज़ीद इस शॉप पर बच्चों की चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस शॉप के सामने दो बड़े स्कूल हैं, एक केजी स्कूल है जो कि लड़कियों का होता है, दूसरा प्राइमरी जो कि एक दर्जे से शुरू होता है, और दूसरा मिडिल स्कूल है जो कि छठवें दर्जे से शुरू होता है। तो दोस्तों इन तीनों स्कूल का भी रिव्यू मैं एक दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन फिलवक्त जो सीज़न चल रही है उसके मुताबिक मैं आपको व्लॉग्स बनाकर दिखा रहा हूं और डेली व्लॉग्स बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए अब बाहर चलते हैं और आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं, क्योंकि बाहर फिर से हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, आप बाहर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं और आपको बाहर का व्यू कराते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिर से बारिश बरसना शुरू हो चुकी है। चारों तरफ ही बादल ही बादल हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं कि छतों से भी पानी बहना शुरू हो चुका है और इसी तरह से बादल तेज़ी के साथ बरस रहे हैं। आप यहां से भी देख लें उन नारों को, क्योंकि पानी गिरा रहे हैं ज़मीन पर, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी के साथ इस वक्त गांव में बारिश बरस रही है, और आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं कि हर लोग अपने घरों की जानिब फिर से रवान दवा हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिशें पहले भी बरस चुकी हैं। दोस्तों आप पीछे मुलाहिज़ा कर सकते हैं बारिश का शोर और बहते हुए पानी की आवाज़। तो दोस्तों फाइनली आपने आज का ये व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाया। फिल वक्त भी चारों तरफ बादल ही बादल, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ख़तरनाक बादल फिल वक्त भी हमारे गांव पर छाए हुए हैं, और किसी भी वक्त ये बरस सकते हैं, और अभी तक ये कभी तेज़ कभी हल्की और कभी तेज़ तरीके से बरसना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहाँ करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो बनता जा रहा है बहुत ही बड़ा। तो दोस्तों फिल वक्त भी मौसम आप देख सकते हैं कि सुहाना बना पड़ा है, लेकिन इसने वक्ती तौर पर बहुत नुकसान भी दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका भाई उज़ैर आपसे चाहूँगा इजाज़त, मिलेंगे आपके साथ अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि मैं अगली वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ रिवर के मुताबिक, क्योंकि रिवर बहुत ही आगे आ चुका है और मज़ीद लास्ट स्टॉप वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर पानी पहुँच चुका है, और वो भी पत्थरों से निकल कर, क्योंकि सबसे पहले पेचिंग को ये डुबोता है, बाद में ये कच्चे के सारे इलाके को। दोस्तों इंशाल्लाह आइंदा मैं आपको वही व्लॉग बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों फिल वक्त आप हमें और हम आपको ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।